हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन साहब फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर। आज हम लोग 10 सीबीएसई इंग्लिश लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थिप्स स्टोरी सीखेंगे। ये स्टोरी हरी सिंह करके एक चोर है इसमें, और एक अनिल करके बंदा है जिसको ये चीट करने की ट्राई करता है, इसके ऊपर ही खत्म हो जाती है। दो ही कैरेक्टर है, और ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। यह रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे चैप्टर लिखते हैं, वर्ल्ड में टॉप लेवल के राइटर में इनका नाम है। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर इनके पिछले सालों में सीख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है और लर्निंग लेसन है। आई वॉज स्टील अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो अनिल आपको दिखा देता हूं, पहले देखिए इसमें कौन सा अनिल होगा। तो ये जो है अनिल है, उसकी एज है 25, और ये जो है वो है हरी सिंह चोर, जिसकी एज है 15। 10 इयर्स का डिफरेंस है दोनों में। आई वॉज स्टील अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। चोर बोल रहा है कि मैं चोर ही था जब मैं अनिल को मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और 15 साल का होने के बावजूद भी मुझे चोरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बराबर हाथ अपने जमाए हुए थे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब मैं अनिल से मिला और उसको अप्रोच किया, तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग यानी कुश्तीबाजी। लड़कों को तो पता ही होगा, बहुत सा देखते होंगे कुश्ती, और लड़कियां अपनी दोस्तों से करती होगी। ही वॉज अबाउट 25, तब वो 25 का था। कौन? अनिल। अ टॉल लीन फेलो, टॉल था, वीक था, पतला होगा। एंड ही लुक इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और बहुत ही सरल आदमी दिख रहा था, दयालु लग रहा था, और मेरा जो पर्पज था वो पूरा करने के लिए एकदम ही सिंपल आदमी था, गाय जैसा था। मतलब उसको चीट करना आसान था, ऐसा ये कहना चाहता है। Hadn't had much luck of late, and though I thought I might be able to get into the young man's confidence. चोर कहता है कि वैसे तो मेरा ज्यादा लक नहीं था, एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैं सोच रहा था कि शायद मैं इस आदमी का विश्वास जीत लूं और उसके लाइफ में एंटर हो जाऊं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उसको कहा, मतलब अनिल को कहा, कि तुम थोड़े रेसलर जैसे ही दिखते हो। लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी यानी खुशामद करना, प्रशंसा करना। तो खुशामद और प्रशंसा में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रशंसा यानी सामने वाले में कोई अच्छा है चीज, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रशंसा। और खुशामत यानी सामने वाले में कोई चीज अच्छी नहीं है, फिर भी उसकी बड़ाई मारना, प्रशंसा करना। बाय एग्जाम्पल, कोई बहुत ही काला है और हम उसको बोलते हैं कि तू तो बहुत ही गोरा है कि गोरी है, तो ये उसकी खुशामत हो गई, क्योंकि एक्चुअली वो गोरी है ही नहीं। और लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो ऐसी खुशामत दोस्त बनाने में आसानी रहती है, खुशामत करने से लोगों की, क्योंकि लोगों को अपनी झूठी प्रशंसा ही चाहिए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने मुझे पूछ लिया कि तुम हो क्या, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज राधर थिंग। और मैं थोड़ा अटक गया क्षण क्षण के लिए, क्योंकि मैं तब बहुत ही थीम था। मतलब चोर ने अनिल को पूछा कि तुम कहा कि तुम रेस्लर जैसे दिखते हो, अनिल ने कहा कि तुम हो क्या, इसलिए चोर बौखला गया क्योंकि वो बहुत ही पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने नम्रता से कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती करता हूँ। What's your name? हरी सिंह, I lied. अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा कि हरी सिंह, झूठा नाम मैंने अपना बताया। I took a new name every month. मैं हर महीने नाम बदल देता था। That kept me ahead of the police and my former employers. नाम बदलने से पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाती थी, और मेरे जो आगे वाले बॉस थे, पहले के बॉस, वो भी मुझे ढूंढ नहीं पाते थे, क्योंकि हर बॉस के यहाँ वो चोरी करके ही निकलता होगा था। तो ढूंढने के लिए नाम चाहिए, और नाम बदल के रहे तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने कुछ अच्छे वेल ऑयल्ड रेसलर की बात की, जो एक दूसरे को
पटक रहे थे, मसल रहे थे, फेंक रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास उसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ये चोर जो है हरी सिंह, उसको नॉलेज नहीं होगा रेसलिंग का ज्यादा. अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चल पड़ा. आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसको फॉलो किया. हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस मुझे कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. उसने मुझे हेलो कहा तो मैंने अपनी अपीलिंग स्माइल उसको दी, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. मतलब चोर ने कहा अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, और अनिल ने रिप्लाई किया कि आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. मैं थोड़ी मिनट के लिए सोचने लगा कि मैंने इस आदमी को जज करने में गलती की लगता है, इसलिए मैंने उसको पूछा फिर कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कैन यू कुक. उसने पूछा कि तुम रसोई बना सकते हो, कुकिंग कर सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. तो मैंने झूठा झूठा कह दिया कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. Anil le gaya is chor ko Jumma sweet shop ke upar, uska room tha wahan par, aur kaha ki tum balcony mein so sakte ho. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. Lekin us raat jo maine khana pakaya wo bahut hi bhayankar tha. Bhayankar hoga kyunki Anil ne wo khana gali ke kutto ko khila diya. And told me to be off. और मुझे साइड में होने के लिए बोल दिया. But I just hung around. लेकिन मैं उसके आसपास ही रहा. Smiling in my most appealing way. And he couldn't help laughing. मैं उसके आसपास ही बना रहा, मतलब किचन में अपनी जो appealing smile है वो देते हुए. And he couldn't help laughing. लेकिन वो हंस नहीं रहा था. Later he patted me on the head and said, "Never mind." बाद में उसने मुझे अपने से मेरा सिर थपथपाया और कहा कि चिंता मत करो. ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट हॉल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और ये भी कहा कि धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर एड करना भी. I was grateful. मैं बहुत ही धन्यभागी था. Grateful यानी thankful था. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक educated आदमी की तरह लिखना सीख लूंगा तो फिर मेरे achievement की कोई सीमा ना रहेगी, कोई limit ना रहेगी, बहुत ही achieve कर पाऊंगा. मतलब it was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. Anil ke liye kaam karna bahut hi acha mazedar kaam tha. Main subah apni chai banata tha aur phir pure din ka jo saman hai wo khareedne ke liye chala jata tha. Usually making a profit of about a rupee a day. Aur jo pure din ki khareedi jo karni hai uske liye jo paise Anil deta tha usme se main har roz 1 rupee का प्रॉफिट बना लेता था, यानी 1 rupee बचा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. उसको पता था कि मैं इस तरह से पैसे बना रहा हूँ, लेकिन उसको उसकी ज्यादा पड़ी नहीं थी. आप लोग करते हैं ना, मम्मी कुछ लेने के लिए भेजती है तो 2-4 rupee ऊपर के बत्ते हैं वो ले ले रहे हैं ना, ऐसे ही ये करता था. अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. मतलब अनिल बहुत ही मुश्किल से कमाता था, इरेगुलर कमाता था, रेगुलर इनकम नहीं थी उसकी. ही वुड बोरो 1 week एंड लैंड द नेक्स्ट. वो किसी से बोरो करता था और नेक्स्ट वीक वापस दे देता था. मतलब यहाँ वहां से लेके काम चलाता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. उसको अपने नेक्स्ट चेक का टेंशन रहता था. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जैसे ही चेक पेमेंट आ जाता था कि वो बाहर जाता था और पार्टी करके सेलिब्रेट कर देता था, पैसे उड़ा देता था मतलब दोस्तों में.
इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स क्वीर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन के लिए लिख रहा था जीवन चलाने के लिए. मैगजीन के लिए हम लोग अगर आर्टिकल दे तो हमें पैसे देते हैं मैगजीन कंपनियां. वंस इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एक इवनिंग को वो आया रात को एक पैसों का बंडल लेके और उसने कहा कि मैंने अभी अपनी बुक पब्लिशर को बेच डाली. एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. मैंने देखा कि उसने गादी के नीचे पैसों का जो बंडल था वो रख दिया. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं एक महीने से अनिल के यहाँ काम करता था एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और शॉपिंग में जो मैं चीटिंग करता था उसके अलावा मैंने अपनी जो लाइन थी चोरी की उस लाइन का कोई काम उसके घर किया नहीं था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. चोरी करने की मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिली. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी. जब मैं चाहूँ तब आ सकता हूँ, जब चाहूँ तब जा सकता हूँ. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों से मैं मिला उसमें यह सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला आदमी मैंने देखा. मतलब हरी सिंह के ऊपर इतना ट्रस्ट उसकी लाइफ में किसी ने नहीं किया था जितना अनिल ने किया. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और इतना वो विश्वास करता था इसीलिए उसको लूटना मुश्किल काम था, रॉब करना मुश्किल काम था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. क्योंकि वो लूटने ही के ही लायक है, वो अफोर्ड कर सकता है. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत ही मुश्किल काम है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इस तरह के इंसान को पता भी नहीं चलता कि किसी ने उसको लूट लिया, ये भी ख्याल में नहीं आता उसको. और इसलिए जो लूटने का मजा है वो मजा ही चला जाता है. मतलब समझिए बहुत उसने गहरी बात बोली है कि चोरी करने का मजा तब है जब जिसकी हम चोरी करें उसको पता चले कि हमने चोरी की तो वो छटपटाएगा, बेचैन होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा होगा. ओके, तो उसका अपना मजा है ऐसा इरिटेट करना किसी को. लेकिन यहाँ तो ये अनिल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. ऐसे लोग होते हैं जिसको इवन ये भी नहीं पता चलता किसी ने मुझे लूट लिया तो वो बोलता है तो फिर चोरी करने का मजा ही नहीं आता ऐसे किसी से. क्योंकि चीज लेने का मजा नहीं है, लोगों को लूटने का मजा है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. लेकिन अभी समय आ गया था कि मैं कुछ रियल वर्क करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने अपने आप को कहा कि मेरी प्रैक्टिस छूट रही है. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. अगर मैंने ये पैसों का बंडल ना ले लिया तो वैसे भी वो अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और वो मुझे पे भी नहीं कर रहा था, मुझे भी सैलरी नहीं दे रहा था. अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सो गया. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. चंद्र मून की जो लाइट थी वो बालकनी में और बेड पे पड़ रही थी, मतलब पूर्णिमा की चांद. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था. कंसिडरिंग द सिचुएशन इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. ये सोचते हुए कि अगर मैंने अभी मनी ले लिए तो मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस टू लखनऊ ट्रेन पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. ब्लैंकेट में से बाहर निकलते स्लीप होते हुए मैं उसके बेड की ओर गया. क्रेप्ट यानी जैसे सांप जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अड़ोटते हुए उस तरह से जाना करते हैं यानी. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल एकदम शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. उसका जो फेस था एकदम क्लियर था, उसके ऊपर कोई चिंता के निशान नहीं थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. उससे ज्यादा निशान तो मेरे फेस पे थे चिंता के.
माइंड वर मोस्टली स्कैर्स और मैं डरा हुआ था. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ मैट्रेस के अंदर घुसे, सर्चिंग फॉर द नॉट्स, और पैसे के बंडल ढूंढने लगे. When I found them, I drew them out without a sound. जब मेरे हाथ में वो बंडल आ गया तो उन्हें आवाज के बिना बाहर निकाल दिया. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. Anil ने अचानक सांसें ली और मेरी साइड वो टर्न हुआ. I was startled and quickly crawled out of the room. Anil जो है वो मैं अचानक डर गया और फटाफट मैं वहां से भाग ही गया, बाहर रूम के बाहर निकल गया. When I was on the road, I began to run. मतलब घर से ही बाहर भाग गया और रोड पे गया. I began to run और मैं दौड़ने लगा. I had the knots at my waist. मेरी मुट्ठी में नॉट का बंडल था. Held there by the string of my pajamas. और मेरा जो पैजामा था वो भी मैंने पकड़ा हुआ था. I slowed down to a walk and counted the knots. मैंने धीरे चलना चालू किया और काउंटिंग कर लिया कितने रुपए हैं. 600 रुपए थे in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. इतने पैसों में तो मैं एक वीक तक एक ऑयल, जिसके ऑयल के कुएं होते हैं ना अरेबियन कंट्री में, अरबियन आदमी जिसके ऑयल के कुएं हैं, ऐसी उसकी जो लग्जरियस लाइफ होती है, ऐसी लाइफ में एक या दो वीक जी सकता हूँ इतने पैसे में. तो मतलब ये चैप्टर बहुत पुराना है, तब 600 रुपए की बहुत ही वैल्यू होती थी. अभी तो 600 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही खर्च हो जाए. 600 रुपए में तो एक पिज्जा आता है अभी तो कुछ जगह पे. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी भी ट्रेन की टिकट परचेस नहीं की, ऐसे ही मुफ्त में जर्नी की. But dashed straight to the platform. लेकिन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चला गया मैं. The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस वहां से मूव हो रही थी प्लेटफॉर्म से, यानी जाने लगी थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन ने अभी स्पीड पिकअप नहीं की थी, स्पीड नहीं डेवलप की थी, मतलब स्पीड में नहीं जा रही थी प्लेटफॉर्म से, अभी तो स्लो ही थी. और मैं चाहता तो किसी एक कंपार्टमेंट में जंप मार सकता था किसी एक डब्बे में. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन, लेकिन मैं अटका कुछ कारणों से. आई कांट एक्सप्लेन, वो मैं बता नहीं सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने ट्रेन गवा दी, ट्रेन चली गई. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तब मैंने देखा कि मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हूँ, सुनसान जगह पे. I had no idea where to spend the night. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नाइट कहाँ बिताऊँ. I had no friends. मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि दोस्त हेल्प कम करते हैं, मुसीबत ज्यादा खड़ी करते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और होटल की स्टेशन की किसी होटल में रुक के मैं किसी को मेरे ऊपर शंका जाए, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. इस गांव में मैं किसी अच्छे इंसान को जानता था तो वो एक ही था जिसको मैंने अभी लूटा था, यानी अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaars. स्टेशन को छोड़ दिया मैंने, मतलब निकल गया वहां से और मैं बाजार की ओर चलने लगा. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मेरा जो ये शॉर्ट कैरियर था एज अ चोर, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा है. कब पढ़ा है? आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है जब वो अपना सामान खो देते हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है, वो कहना चाहते हैं. तो अभी बिहेवियर बता रहा है कि कैसे इंसान का कैसे बिहेवियर होगा जब कोई चीज खो जाएगी. द ग्रीडी मैन सोड फियर. एक लालची आदमी के फेस के ऊपर फियर होगा, ये काम की बात बोल रहा है. एक लालची आदमी की चीज खो जाएगी तो उसके चेहरे पर फियर होगा. द रिच मैन सोड एंगर. एक पैसे वाले इंसान का कोई चीज चोरी हो जाएगा तो उसको गुस्सा आएगा, चोर पे गुस्सा होगा फेस पे.
द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक बहुत ही गरीब आदमी का कोई चीज चोरी हो जाएगा तो स्वीकार भाव में होता है, स्वीकार लेता है कि ठीक है अभी भगवान ने जो किया ठीक, अभी शायद उसको ज्यादा जरूरत थी। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं अनिल को फेस को जानता हूं, जब उसको पता चलेगा कि मेरे यहाँ चोरी की हरी सिंह ने, मतलब मैंने, would show only a touch of sadness, तो उसके चेहरे पे sadness दिखेगी, दुख, not for the loss of money, but for the loss of trust, और पैसे गया उसका दुख नहीं रहेगा उसको, लेकिन उसका विश्वास तोड़ा किसी ने, इसका दुख उसको लगेगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench, मैं एक मैदान पे पहुंच गया और वहां बेंच पे बैठ गया। The night was chilly, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात जो थी वो ठंडी थी, नवंबर का महीना था और एक हल्की सी बारिश भी आ रही थी, तो इसके कारण थोड़ी डिस्कम्फर्ट बढ़ गई मेरी, क्योंकि बारिश में बाहर रुकना मुश्किल है घर से। Soon it was raining quite heavily, अभी हैवी रेन आने लगा। My shirt and pajama stuck to my skin. मेरा जो शर्ट है और पैजामा है वो मेरी स्किन से चिपक गया। And a cold wind blew the rain across my face. And cold wind blew the rain across my face. जैसे जब हम लोग भीग जाते हैं तो हमारे कपड़े कैसे चिपक जाते हैं स्किन से, वैसे इसके शर्ट और पैजामा भी चिपक गया और ठंडी हवा मेरे चेहरे के ऊपर से पास हो रही थी। जैसा हमारे यहाँ भी वातावरण है वैसा ही वहां रहा होगा एटमॉस्फेयर। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाजार की ओर गया और वहां जो क्लॉक टावर था उसके नीचे मैंने बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नॉट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। क्लॉक कहेंगे मिडनाइट बता रही थी यानी 12 बजे होंगे और मैं नॉट को महसूस किया मैंने कि वो भीग गए हैं बारिश में। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, ये अनिल के पैसे थे, सुबह वो श्योर मुझे 2-3 rupees देता मूवी देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी सभी पैसे मेरे पास हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अभी मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट ऑल सेंटेंसेस एंड मोर, अभी मैं बाजार नहीं जा सकता और मैं सेंटेंस लिखना नहीं सीख सकता अभी, क्योंकि चोरी करके वहां से निकल गया, रहता तो वहां सीखने को मिलता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब चीजें तो मैं भूल ही गया कि मैं ये सब लॉस कर लूंगा। All sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. पूरा सेंटेंस लिखना मुझे पता था अगर मैंने वो सीख लेता तो ये जो कुछ 100 rupees है 600 rupees उससे कहीं ज्यादा मैं उस नॉलेज के ऊपर कमाता। मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहा है वो समझिए, आज से 100 साल पहले 100 ईयर पहले भारत का जो एजुकेशन था वो 6-7% था, यानी 100 में से 6-7 लोग ही ऐसे थे जो लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते थे लिख सकते थे। तो कोई एक लैंग्वेज को पढ़ सके और लिख सके तो उसको एजुकेटेड बोलते थे और वो रेशियो था 6-7% 100 ईयर पहले। तो ये बहुत पुराना चैप्टर होगा क्योंकि वो जो सिचुएशन थी तब किसी को अगर गांव में पढ़ना आता हो, मतलब पूरे गाँव में एक आध आदमी ऐसा निकलता था एक दो कि जिसको पढ़ना और लिखना आता था तो उसको बहुत ही एजुकेटेड माना जाता था और उसके लिए बहुत सारी फील्ड के स्कोप भी खुल जाते थे, गवर्नमेंट जॉब के स्कोप खुल जाते थे। इसलिए ये बोल रहा है कि अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाता तो मैं बहुत सारे पैसे आगे भविष्य में कमाता, ये 600 rupees के चक्कर में मैंने अपना फ्यूचर बिगाड़ा। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बहुत ही सिंपल चीज है चोरी करना और कभी कभी इतना सिंपल कि पकड़े जाने से भी सिंपल है, इतना आसान है चोरी करना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक होशियार एंड रिस्पेक्टेड आदमी बनना वो कुछ और ही बात है, वो आसान नहीं है।
आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. क्यों? पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं उसकी रूम की ओर जाने लगा नर्वस फील करते हुए. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कोई चीज चोरी करना आसान है लेकिन उस चीज को वापस उसी जगह पे रख देना किसी को पता ना चले इस तरह से बहुत मुश्किल काम है. आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, मैंने धीरे से दरवाजा खोला और डोरवे पे खड़ा रह गया. इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांद की, चंद्रमा की, पूर्णिमा की नाइट होगी, मतलब उजाला आ रहा होगा चांद का. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बेड के पास, सिर के पास गया मैं. एंड माई हैंड केम अप विद द नॉट्स, मेरे हाथों में नॉट थी. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांस अपने हाथ पे महसूस कर रहा था. आई रिमेन स्टील फॉर अ मिनट, मैं कुछ क्षणों के लिए रुक गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ जो गादी है उसकी किनार को ढूंढने लगे. एंड स्लिप अंडर इट विद द नॉट्स, और गादी के नीचे जो नॉट थी वो मैंने रख दी, पैसे रख दिए. आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं दूसरे दिन सुबह लेट उठा क्योंकि बाहर घूमता रहा ना तो लेट ही उठेगा. अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी. He stretched out his hand towards me. उसने मेरी और हाथ लंबाया चाय देने के लिए. नहीं, चाय देने के लिए नहीं. There was a 50 rupee note between his finger. पैसे देने के लिए. उसके हाथों में 50 रुपए की नोट थी. My heart sank. I thought I had been discovered. मेरा हृदय बैठ गया. मैं डर गया, मतलब मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. मैंने कल कुछ पैसे कमाए. अभी तुम्हें हर रोज कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब सैलरी मिलेगी तुम्हें, रोज नहीं हर महीने मिलेंगे. My spirit rose. मेरा जुस्सा जाग गया, मतलब वो उत्साह में आ गया. But when I took the knot, I saw it was still wet from the night's rain. लेकिन जब मैंने knot पकड़े तो मैंने देखा अभी भी वो बारिश के कारण भीगे हुए थे. नाइट में भीग गए तो वो भीगे हुए ही है. Today we will start writing sentences, he said. आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वो जानता था लेकिन उसके लिप्स या उसकी आंखें दोनों ही कुछ भी नहीं बता रही थी. मतलब उसको पता चल गया था कि ये हरी सिंह रात को पैसे लेके भाग गया था फिर वापस आ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पे, उसने बोला भी नहीं कुछ और अपने चेहरे पे, आंखों पे भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं किया कि मुझे सब पता चल गया, चोर भाई तो चोर है. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने अपनी जो appealing smile थी वो अनिल को दी. And the smile came by itself without any effort. और सामने भी smile आई कोई effort के बिना, मतलब झूठी smile नहीं, उसने भी response में smile किया अनिल ने भी. Skin bond. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और लर्निंग लेसन है. क्या लर्निंग लेसन है इसमें? कि एक छोटी वैल्यू की चीजों के लिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, चोरी वोरी के चक्कर में मत पड़ो. और किसको छोटी वैल्यू कहेंगे? तो किसी के विश्वास के सामने 10 करोड़ की चीज भी छोटी ही मानी जाएगी, क्योंकि किसी का हमारे ऊपर विश्वास वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है. और दूसरी एक चीज आप समझ लो, चोरी करना तो आपको लगेगा कि हम कहाँ लोगों की चोरी करने जाएंगे, हम थोड़ी ऐसे हैं. देखिए वही चोरी करना नहीं है. अगर आप बिजनेस करेंगे भविष्य में तो आपने पैसे लिए अच्छी प्रोडक्ट के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के कस्टमर के पास, लेकिन आपने प्रोडक्ट पकड़ाई वीक क्वालिटी की, चीप क्वालिटी की, तो वो भी चोरी करना ही है. आप अगर कहीं पर जॉब ज्वाइन की 8 घंटे के काम के लिए, हर रोज 8 घंटे जाना है हमें और 25,000 सैलरी और संडे छुट्टी,
लेकिन उस 8 घंटे के काम में अगर आप 4 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हो, 2 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हो, तो वो भी चोरी करना ही है। तो इनडायरेक्ट चोरी है वो, लेकिन चोरी तो वो है ही। तो इस तरह का ट्रस्ट आप किसी का तोड़ो मत, इस तरह की इनडायरेक्ट थिंकिंग भी आप करो मत, क्योंकि उससे वो आप सामने वाले का कम बिगाड़ते हो, आप खुद का ज्यादा बिगाड़ते हो। और अभी एज अ स्टूडेंट भी आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली चोरी होती ही है। किसी की नोट में से कॉपी करना वो भी चोरी ही है, पैसे भले ना लिए, नोट ली ना, तो वो भी चोरी ही है। दूसरा कि 23 तक की जो आपकी एज है वो कैरियर बिल्ड करने की एज है, उसमें अगर आप टाइम फालतू चीजों को देते हो, ज्यादा समय अगर अपना फालतू चीजों में देते हो, उतने टाइम की आपने अपने जीवन की चोरी ही की, मतलब आपका जीवन आपने बर्बाद किया चोरी कर करके, टाइम की चोरी कर करके। तो ये सभी चीजें सूक्ष्म चोरियां हैं, माइक्रो थिपिंग कहेंगे इसको। तो इस तरह की चोरी भी आपसे ना हो, उसका खास ध्यान रखें। दूसरों की चोरी करना तो दूसरों का विश्वास तोड़ना, और अपने समय की अपने लाइफ की चोरी करना तो अपनी आत्मा का विश्वास तोड़ना हो गया। ओके, ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।